Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk Deva English spoken class. Friends, पिछली क्लासेज में मैंने आपको हैबिट के बारे में जो सेंटेंसेज आती है, जो भी सेंटेंस किसी की भी आदत को दर्शाती है, वैसे सेंटेंस का इंग्लिश बनाने के लिए मैंने आपको बताया था. उसमें से कुछ अधूरा रह गया था वो वीडियो. मैंने बोला था आपको कि एक दूसरा वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें दूसरा पार्ट लाएंगे और उसमें हैबिट से आने वाले संबंधित जितने भी सेंटेंसेज होंगे वो सारे आपको हम बताएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम वही चीज़ बताने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, हैबिट पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हैबिट मुझे भीख मांगने की आदत है, मुझे चाय पीने की आदत है, इस तरह के सेंटेंस. वह 7 बजे स्नान करता है, इस तरह के सेंटेंस. या वो हमेशा बनाती रहती, वो हमेशा गाता रहता है, वो हमेशा अपना सिर खुजलाता रहता है, इस तरह के सेंटेंस जो किसी की आदत को दर्शाते हैं, वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था. और आज के वीडियो में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ अलग तरह के सेंटेंसेस को जानेंगे. सबसे पहले देखते हैं हम वो इंग्लिश वीडियो. हेलो देवा, I can't wait to tell you this. I'm so excited. Yes, I can see that. I also can't wait to know the secret. Tell me. I got accepted all of the colleges I applied to. My name is there in the first list itself in all the college. Mm-hmm. Congrats. You totally deserve it. How many colleges did you apply to? I was given the chance to choose and 5 colleges which are under the Delhi University. I applied those all 5 colleges which I liked. What was their first reaction when you got into your dream college? I was shocked. I know this feeling. I don't even know what college to pick. Who knew getting accepted would have problems? It's a good problem. I think you should visit to the college before deciding anyone. I am also thinking the same. Would you like to come with me? Sure, that would be fun. Okay, then come. It's so hot now today. Yes. See, I am sweating. Okay friends, तो चलिए शुरू करते हैं. मैं एक sentence लिखता हूँ, ठीक है? वह मेरे यहाँ आया करता था. वह मेरे यहाँ आया करता था. और दूसरा सेंटेंस है, वह मेरे यहाँ आया करता है. पहला सेंटेंस है इंडेफिनिट टेंस, तो वह मेरे यहाँ आया करता था, तो ही यूज्ड टू. ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ टेंसेज में. He used to come to me. ठीक है? He used to come to me. अब ये सेंटेंस जो है वह मेरे यहाँ आया करता है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें और वो क्या बनाते हैं कि he uses to come to me. But this is wrong sentence. वह मेरे यहाँ आया करता था मीन्स एक आदत थी उसे. ये उसकी आदत को दर्शाता था कि उसको मेरे पास आने की आदत थी, मेरे यहाँ आने की आदत थी. इसलिए यहाँ पर हमने यूज टू लगाया, इसलिए क्योंकि ये पास्ट है. बट प्रेजेंट यहाँ पे वह मेरे यहाँ आया करता है, दिस इज द प्रेजेंट टेंस. वह मेरे यहाँ आया करता है मतलब अभी जारी है आना, मतलब वो मेरे पास आता है. तो दिस इज द सिंपल टेंस, इसमें यूज नहीं लगाएंगे. ही कम्स टू मी, सिंपल सिंपली बनाएंगे उसको हम. लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको बनाते हैं ही यूजेस टू कम टू मी, बट इसमें यूजेस या यूज का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और जब प्रेजेंट में है, बरकरार है, तो फिर उसमें यूज्ड टू नहीं लगाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, अभी इस तरह के जो सेंटेंसेस है वह मेरे यहाँ आया करता था, वो हम लोग स्कूल जाया करते थे, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल. वह उस मैदान में खेला करता था, तो ही यूज्ड टू प्ले इन दैट ग्राउंड.
इस तरह के सेंटेंसेस जितने भी आएंगे उसमें यूज्ड टू लगाकर बनाएंगे। बट ठीक ऐसा ही सेंटेंस कुछ एक और भी है जिसमें हम यूज्ड टू का इस्तेमाल ना करके वुड का इस्तेमाल करते हैं, बट उसमें एक शर्त है कि अगर हम काम किस पास्ट में रुक रुक के या कभी कभी करते थे तो वैसे सेंटेंसेस को हम वुड से बनाते हैं, ना कि यूज टू से बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओकेजनली या रुक रुक के या कभी 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 कभार या बारंबार इस तरह का उसमें दर्शाया गया हो, एडवर्ब दर्शाया गया हो, तो उसमें उस तरह के सेंटेंसेस को हम यूज टू नहीं लगाकर बल्कि उसमें हम वुड लगाकर बनाएंगे। जैसे वह मेरे यहाँ कभी कभी आया करता था। वह मेरे यहाँ कभी कभी आया करता था, तो यहाँ पर कभी कभी है। अगर यहाँ पर होता कि वह मेरे यहाँ हर शनिवार को आया करता था या वह मेरे यहाँ हर संडे को आया करता था, हम लोग हर दिवाली मेले जाया करते थे। मीन्स दिस इज ओकेजनली, मीन्स ओकेजनली कुछ हो कभी कभार या रुक रुक के इसमें कुछ दर्शाया गया हो ऐसा, तो वैसे सेंटेंस को हम वुड लगाकर बनाएंगे, न कि यूज टू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाएंगे, ही वुड ऑफन कम टू मी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस को हम वुड लगाकर बनाते हैं। आजकल बोलचाल में ज़्यादातर लोग उड का इस्तेमाल करते हैं यूज टू की जगह पर। चलता है, भाषा है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज में जिस तरह की चीज़ें चल पड़ती है, बस चलन में होता है, वैसे ही लोग इस्तेमाल करने लगते हैं और फिर धीरे 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 वही चलन में चल पड़ती है और वही सही भी लगने लगता है, फिर हम उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। भाषा हमने ही बनाया, मीन्स पब्लिक अपने लिए ही बनाती है और फिर अपने इस्तेमाल के लिए, फिर हम ही जो बनाते हैं उसको ही हम सही मानने लगते हैं, हम ही सही करने वाले हैं, हम ही गलत करने वाले हैं, दूसरा कौन है। तो भाषा जैसा होता है, जैसे चलता है, वैसा चल पड़ता है, वैसे हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है वो सही है। जैसे आप फोर के बारे में जानते होंगे कि फोर एक्चुअली में दिस इज़ द राइट फोर, ये सही फोर है, बट ज़्यादातर लोग ऐसा फोर लिखते हैं ना। ये फोर किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये फोर होता ही नहीं है, बट यही लिखा जाता है और ज़्यादातर लोग यही फोर इसी तरह के फोर का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के फोर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम अब ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज द रॉन्ग, हालांकि कहीं भी किसी भी रिकॉर्ड में ऐसा फोर नहीं मिलेगा आपको, बट दिस इज नॉट रॉन्ग क्योंकि ये चल पड़ा है, इसीलिए अब ऐसा ही माना जाता है। इसी तरह से लैंग्वेज में भी हम जैसा बोलते हैं, जो चलन में चल जाता है वही बोलने लग जाते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे माई पेन इज ब्रोकन, ये किस हिसाब से, किस ग्रामर के किस नज़रिए से ठीक हुआ, नहीं हुआ ना, लेकिन यही चलता है और यही सही है और इसी को सही माना जाता है। मेरी पेन टूट गई है, माई पेन हैज़ बीन ब्रोकन, दिस इज़ द राइट, बट चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप वुड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वुड का इस्तेमाल कीजिए, अगर आप यूज टू का इस्तेमाल करते हैं तो यूज टू का इस्तेमाल कीजिए। बट मुझे ये बताना था कि वुड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा आपको आज का क्लास। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।